Dear students, welcome back for physics class. पिछले physics class में हमने module 3 quantum physics की दो important classical radiation law के बारे में discuss किया था. एक है Wien's law, दूसरा है Religion's law. और Wien's law, Religion's law में कैसे रेडिएशन लॉ को 100% ये दोनों नहीं समझा पाए, इसको भी हमने डिस्कस किया था. तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको, जैसे हर बार हम लिखते हैं सब्जेक्ट नेम, दोबारा इसको हम लिखते हैं. जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसकी कोड होगा कि AS101T. जो मॉड्यूल नेम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स. माई नेम इज, एज यू नो, डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. और इस चैप्टर की जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम बार बार दोहराएंगे, क्योंकि हमारे मेन एम है कि बाय लर्निंग दिस वी नीड टू फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो आज जो सब्जेक्ट या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में ये आप देख सकते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. तो इसको डिटेल्ड आज डिस्कस करते हैं. तो पहले मैं आपको बता दूं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्वांटम मैकेनिकल लॉ है जो क्लासिकल फिजिक्स की जितने भी लॉ आया, जैसे रिलीजन्स लॉ, विंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, इसकी जो डिफ़िकल्टीज है, ड्रॉबैक्स है, इसको ओवरकम करते हुए ये लॉ को डिराइव किया गया. और इसके बारे में फिर आगे हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे. तो पहले हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की डेफिनेशंस को देख लेते हैं. व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ही इज ए फिजिसिस्ट फ्रॉम जर्मनी, जिन्होंने ये लॉ को डिराइव किया था. प्लैंक फॉर्मुलेटेड एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला to explain the distribution of energy, in the
ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो प्लैंक उसी रेलिजिन्स लॉ और विन्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए प्लैंक फाउंड एंड फॉर्मुलेटेड एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किस में? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसमें कैसे रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है, ब्लैक बॉडी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में प्लैंक ने डिटेल थ्योरी दिया था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज प्लैंक्स हाइपोथेसिस। आपको पता है किसी भी फिजिक्स लॉ, कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ डेरिवेशन से पहले साइंटिस्ट या जो फिजिसिस्ट हैं वो उसी लॉ की कुछ इमेजिन करके कुछ मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल में फिर आगे उसको थ्योरेटिकली डिराइव करते हैं और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है तो उसको फिर फिजिक्स लॉ के हिसाब से हम पढ़ते हैं। उसी तरह से प्लैंक भी अपनी डेराइवेशन शुरू करने से पहले, अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले दो हाइपोथेसिस के बारे में बताया था और हम उसी दोनों हाइपोथेसिस को हमें डिटेल्ड में पढ़ना है और जानना है। तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस फर्स्ट, दो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था। हाइपोथेसिस उसको कहते हैं जो लॉ बनने से पहले जो एसम्पशंस लिया जाता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो अभी तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हुआ है उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो पहला हाइपोथेसिस क्या है? एक ए ब्लैक बॉडी इज फिल्ड अप विथ न्यूमरस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। इसका मतलब है पहला हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ए ब्लैक बॉडी इज फिल्ड अप विथ न्यूमरस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। उनका कहना था कि किसी भी ब्लैक बॉडी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, किसी भी रेंज की, किसी भी वैल्यू की, किसी भी क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, तो ऑसिलेटर्स उसको कहते हैं। तो प्लैंक का ये कहना था कि ब्लैक बॉडी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स प्रेजेंट हैं और उनकी जो साइज है वो मॉलिक्यूल के बराबर है। एक मॉलिक्यूल की आप जानते हैं जनरली उसकी जो डायमीटर होती है अराउंड 10^12 -12 या 10^-13, मैक्सिमम 10^-15 तक उसकी वैल्यू जाता है। तो इसका मतलब है कि अराउंड बहुत छोटा होता है उसकी रेंज। तो उनका कहना था कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी पाए जाते हैं उसके डायमेंशंस बहुत छोटा होता है, अप टू द ऑर्डर ऑफ 10^-12 मीटर, मतलब बहुत छोटा उसकी वैल्यू। तो इतनी छोटे छोटे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स उसके अंदर हैं। और अब दूसरा हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे, तो हाइपोथेसिस टू,
सेकेंड हाइपोथेसिस, सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है? The oscillators can radiate and absorb energy of quanta. इसको समझाऊंगा, quanta क्या होता है? Q QUANTA, quanta of magnitude h nu or multiple of it, that is 0 h nu, 2 h nu और ऐसे आगे बढ़ते हुए n h nu तक जाता है। ये है सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा है कि पहले पोस्टुलेट में उन्होंने ऑसिलेटर्स के बारे में बताया जो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं और एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे में ये बताया कि जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो दोनों चीज करते हैं, रेडिएट और एब्जॉर्ब, क्या? एनर्जी को। और किस फॉर्मेट में एनर्जी एमिट और रेडिएट होता है? क्वांटा। क्वांटा मतलब प्लूरल ऑफ क्वांटम, पैकेट होता है, ये जर्मन वर्ड है। तो बहुत सारे पैकेट्स में एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ऑसिलेटर्स हैं। और उसकी वैल्यू कितना होगा? एच न्यू और मल्टीपल ऑफ इट, 0 h nu 2 h nu n h nu। तो इसका मतलब है एनर्जी, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हमने कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था, इसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा बट इसमें डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा जो एच न्यू के फॉर्मेट में, एक पैकेट, सबसे छोटा पैकेट जो होगा एच न्यू होगा या उसके मल्टीपल हो सकता है। ये है प्लैंक्स हाइपोथेसिस। अब हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को पहले हम डिफाइन करेंगे और ये है क्या। प्लैंक हैज द फॉर्मूला for radiation, that is both absorption and emission in terms of frequency will be energy density within range of frequency nu and nu plus d nu will be u nu d nu is equal to 8 pi h by c cube nu cube d nu
एक्सपोनेंशियल पावर है एच न्यू बाय के टी माइनस वन। ये है प्लैंक्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि किसी भी ब्लैक बॉडी जब एनर्जी एमिट और रेडिएट करता है, सपोज उसकी रेंज को हम म्यू और न्यू प्लस डी न्यू के अंदर देखते हैं, मतलब विद इन ए स्मॉल फ्रैक्शनल फ्रिक्वेंसी रेंज डी न्यू, उसकी वैल्यू ये होगा, जिसमें यू न्यू डी न्यू है एनर्जी डेंसिटी, कौन सी रेंज में, डी न्यू रेंज में, विच इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी टर्म है, एच जैसे प्लांक्स कॉन्स्टेंट भी इसके अंदर है, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। थ्री इंटू टेन का रेट, तो इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई एच बाई सी क्यूब, जिसमें एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और के इसमें बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। तो के और एक कॉन्स्टेंट इसमें यूज हो रहा है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और टी है टेम्परेचर। तो ये है प्लैंक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडिएशन, जिसमें एनर्जी डेंसिटी थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है, और ये इस तरीके से इसकी फॉर्मेट बनता है। इसी एक्सप्रेशन को, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को, हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ विल बी यू लैम्डा डी लैम्डा, मतलब डी लैम्डा रेंज में उसको डिराइव किया गया है, दिस इज 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एस सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। ये हो गया सेम इक्वेशन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो दोनों प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो आज हमने क्लास में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और उसकी हाइपोथेसिस और उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, और उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से कैसे रेलिजिन्स लॉ, विंस लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं। धन्यवाद।